लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम दो कंडीशंस में यूज करते हैं। पहली कंडीशन, बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों एक साथ लिए हुए हों, तब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट और डिवीजन साथ में रूट लगा हुआ है, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। दूसरा केस होता है जब एक फंक्शन की पावर दूसरे फंक्शन पर चढ़ी हो, यहाँ पर लॉग एक्स एक फंक्शन है और कॉस एक्स दूसरा फंक्शन है, या फंक्शन की पावर फंक्शन पर हो। ओके, पावर ऑफ फंक्शन इज रेस टू पावर ऑफ फंक्शन। ओके, फंक्शन पर फंक्शन की पावर हो, इसमें फंक्शन पर क्या है, फंक्शन की पावर, इधर फंक्शन पर फंक्शन की पावर है, या कह सकते हैं वेरिएबल पर वेरिएबल की पावर हो, ए वेरिएबल है ए भी वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल पर वेरिएबल की पावर, यहां पर क्या है, वेरिएबल पर वेरिएबल की क्या है पावर, यहां पर एक्स क्या है वेरिएबल है। ओके, तब हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। हम इसको करते हैं पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसको y ले लेंगे। ओके, लेट y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x, हमने क्या किया इसे y ले लिया। अब टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे log लेंगे। ओके, दिस इज लॉग y, यहाँ पर बेस हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो बेस e माना जाएगा, इक्वल टू लॉग cos x cos 2x cos 3x। ओके, दिस इज लॉग y, अभी इनटू में है तो लॉग की प्रॉपर्टी से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दिस इज लॉग cos x प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट होंगे, प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x, इस तरह से क्या हो जाएंगे कन्वर्ट हो जाएंगे। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, सो दिस इज 1 अपॉन y dy अपॉन dx, log y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन y dy अपॉन dx। ओके, इक्वल टू क्या होगा, log cos x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x, और cos x का माइनस sin x होगा, दिस इज प्लस 1 अपॉन cos 2x, और cos 2x का क्या होगा, माइनस 2 sin 2x होगा। ओके, प्लस 1 अपॉन cos 3x, log cos 3x का, दिस इज माइनस 3 sin 3x। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल टू बाय, ये क्या हो जाएगा, माइनस cot x हो जाएगा, माइनस cot x, दिस इज sin 2x अपॉन cos 2x, ये भी cot 2x हो जाएगा, तो माइनस 2 cot 2x, दिस इज ओ नो दिस इज 10x, क्या होगा ये, माइनस sin अपॉन cos क्या होता है 10x, दिस इज ऑल्सो 10 2x। ओके, माइनस 3 tan 2x। ओके, अब y की जगह हम चाहो तो वैल्यू को फिर से रख सकते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ओके, अंडरस्टूड, पहले हमने क्या लिया, इसको y सपोज किया, फिर टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लिया, log लिया, तो log y इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x, अब इन टू में है तो प्लस में आ जाएंगे, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x,
एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, लॉग कॉस एक्स का कॉस एक्स नीचे आएगा तो वन अपॉन कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, इसमें एक कॉस टू एक्स नीचे आएगा वन अपॉन कॉस टू एक्स, फिर हम कॉस टू एक्स का करेंगे तो माइनस टू साइन टू एक्स, दिस इज वन अपॉन कॉस थ्री एक्स, और कॉस थ्री एक्स का करेंगे तो माइनस थ्री साइन थ्री एक्स। ओके, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ये माइनस टेन एक्स हो गया, क्या हो गया, माइनस टेन एक्स हो गया। ओके, इस तरह से दिस इज माइनस टू टेन टू एक्स, दिस इज माइनस थ्री टेन थ्री एक्स, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम। ओके, तो भी हम लेट y इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ओके, ये लिख दिया गया, क्लियर। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लिया गया, लॉग लिया गया, तो लॉग y इक्वल टू लॉग, इस रूट को हम चाहो तो वन बाई टू में भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव रेस टू पावर वन बाई टू, दिस इज लॉग बाई इक्वल टू वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। ओके, अंडरस्टूड। अब दिस इज आपका लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू, ये सारे के सारे जो अपॉन में है वो माइनस में आ जाएंगे, माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। ओके, अंडरस्टूड, ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन बाय डी बाय अपॉन डी एक्स, दिस इज वन बाय, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका वन अपॉन एक्स माइनस टू, इसका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री होगा, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर, फिर वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। अब हम बाय का इस तरफ इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, इक्वल टू ये वाई इस तरफ गया तो वाई अपॉन टू। ओके, बाकी सेम जो होगा तो कॉपी कर लेंगे हम, वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। ओके, अंडरस्टूड। बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट भी है, डिवीजन भी है, उस पर रूट भी लगा हुआ है, ये रूट को हमें वन बाई टू लिख लिया, फिर जो ऊपर वाले जो प्लस में आ जाएंगे जब हम लॉग लेंगे तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, सारे सारे जो पावर है वो सामने रहेंगे, हम उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर फाइव। ओके, फाइव को हम देखते हैं, तो थर्ड में क्या है, वेरिएबल पर वेरिएबल की पावर है, इसमें भी हम लेट y इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर और सिक्स। ओके, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दिस इज लॉग वाई इक्वल टू लॉग लॉग एक्स रेज टू पावर और सिक्स। ओके, अब पावर क्या आएगी, सामने आएगी तो लॉग वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स। अभी दो फंक्शन हो गया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, एक
फंक्शन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। दूसरा फंक्शन क्वेश्चन नंबर 4, एक्स रेस टू पावर एक्स माइनस 2 रेस टू पावर साइन एक्स लेट वाई इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स माइनस 2 रेस टू पावर साइन एक्स एंड यू इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स दिया गया एंड वी इक्वल टू 2 रेस टू पावर साइन एक्स। This is y equal to u minus v and dy upon dx equal to du upon dx minus dv upon dx हो जाएगा। This is equation 1। अब हम इससे du upon dx निकालेंगे इस वाले फंक्शन से और इस वाले फंक्शन से हम क्या करेंगे dv upon dx निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में फंक्शन वेरिएबल पर वेरिएबल की पावर है, दो फंक्शन दिए हुए हैं प्लस माइनस के साइन में, माइनस का साइन है ओके। तो अब हम इसको लेते हैं u इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स लॉग लेंगे दोनों तरफ तो लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू पावर एक्स हो जाएगा ओके। अंडरस्टूड एंड दिस इज लॉग u, लॉग u तो log u इक्वल टू x इंटू log x ओके। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन u du अपॉन dx, du अपॉन dx क्योंकि log u का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन u du अपॉन dx ओके। इसका प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जब का तो सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ओके। सो दिस इज क्या हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा u कैंसिल होके 1 हो जाएगा ये ओके। सो du upon dx u की वैल्यू रख देंगे हम x रेस टू पावर x 1 प्लस log x ओके। अब हम इसको लेंगे v इक्वल टू 2 रेस टू पावर साइन x ओके। इसका log लेंगे दोनों तरफ तो log v इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन x इंटू log, यहां पर हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया log इधर लॉग लगेगा इधर लॉग लगेगा तो जो पावर है साइन एक्स के सामने आ जाएगा तो ये हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएटिंग करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन वी डीवी अपॉन डीएक्स
इक्वल टू लॉग टू तो कॉन्स्टेंट है तो साइन एक्स का क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग टू इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, लॉग टू इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ओके अंडरस्टूड। तो डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी लॉग टू इंटू कॉस एक्स, अभी वी की वैल्यू रख देंगे हम। ओके वी की वैल्यू रखेंगे तो डीवी अपॉन डी एक्स होगा वी क्या है टू रेज टू पावर साइन एक्स, दिस इज लॉग टू इंटू कॉस एक्स होगा। ओके अब हम इस इक्वेशन वन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन वन, ये दोनों वैल्यू किसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो अपना डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा अपना पहले डी यू अपॉन डी एक्स देखेंगे अपन, दिस इज डी यू अपॉन डी एक्स, दिस इज एक्स रेज टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स प्लस, अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम, दिस इज टू रेज टू पावर साइन एक्स लॉग टू इंटू कॉस एक्स, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया आंसर हो गया, यहाँ पर प्लस नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। ओके तो माइनस दिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स रेज टू पावर एक्स ओके वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू रेज टू पावर साइन एक्स लॉग टू इंटू कॉस एक्स। ओके दिस इज अवर फाइनल आंसर होगा। ओके अंडरस्टूड। ओके क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर फोर। ओके क्वेश्चन नंबर फाइव हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें ये वाला फंक्शन तीन फंक्शन का आपस में क्या है इसको हम वाई लिखेंगे, लेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर एक्स प्लस फोर का स्क्वायर एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फोर का क्यूब एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर। ओके टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों तरफ लॉग ले लूंगा लॉग बाय इक्वल ओके लॉग एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर एक्स प्लस फोर का क्यूब एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर फोर, दिस इज लॉग बाय लॉग एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस फोर का होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर फोर, लॉग वाई इक्वल टू टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस फोर प्लस फोर लॉग एक्स प्लस। ओके डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज वन अपॉन बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज टू अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाय टू अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव। ओके हम चाहें कि वाई की वैल्यू भी फिर इसमें रख सकते हैं, दिस इज अवर आंसर। ओके अंडरस्टूड। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स। ओके हम इसको y ले लेंगे, लेट दिस वन इज y, लेट y इक्वल टू
एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स एन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स को हम क्या लेंगे ई लेंगे, तो क्या ले लिया ई ले लिया और एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स को क्या लेंगे ई लिया, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस बी एंड dy upon dx equal to du upon dx plus dv upon dx. ओके, अब हम इससे du upon dx निकालेंगे, इस वाले फंक्शन से dv upon dx निकालेंगे, दोनों को इधर ऐड कर देंगे, दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा dy upon dx. ओके, नाउ u equal to x plus 1 upon x raised to power. हम क्या करेंगे लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, दिस इज लॉग इन x सामने आ जाएगा, सो x log x प्लस, ओके अंडरस्टूड, इसे पावर आ जाएगी और ये पावर यहाँ सामने आएगी तो डायरेक्ट लिख दिया गया है. अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, दिस इज वन अपॉन इन u अपॉन dx. This is first function, this is second function. First, इसका differentiation करेंगे तो 1 upon x plus 1 upon x. इसका differentiation करेंगे 1 minus 1 upon x plus log x plus 1 upon x into 1. Okay, understood? 1 upon u du upon dx equal. This is, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि x इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, दिस इज वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होगा. ओके, सो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स ऊपर चला जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस, इसका हम एलसीएम लेंगे सपोज करो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होगा. ओके, अब डी यू अपॉन डी एक्स, हम यहां यू की वैल्यू रख लेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स. ओके, अब हम इस वाले फंक्शन से इस वाले से डी वी अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, अब दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो लॉग भी इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे इधर लॉग लगेगा इधर लॉग लगेगा, तो ये पावर है तो पावर कहाँ आ जाएगी सामने आ जाएगी, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन भी डी वी अपॉन फर्स्ट फंक्शन जब का तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा वन अपॉन एक्स, फिर लॉग एक्स जब का तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी. ओके, दिस इज वन प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होगा. ओके, अब डीवी वैल्यू रखते हैं, डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू की एक्स रेज टू पावर वन अपॉन एक्स, दिस इज मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये डीवी अपॉन डी एक्स आ गया. अब dy अपॉन dx के लिए
हम ये दोनों वैल्यू किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ओके, सो du dy upon dx, dy upon dx इक्वल टू इधर उधर कहेंगे हम du upon dx, x प्लस वन अपॉन x रेज टू पावर x, x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x स्क्वायर प्लस वन प्लस log x प्लस वन अपॉन x प्लस इधर उधर कहेंगे हम x रेज टू पावर प्लस वन अपॉन x, दिस इज वन अपॉन x प्लस वन अपॉन x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x स्क्वायर लॉग। दिस इज अवर आंसर, क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, हमने क्या किया क्योंकि सबसे पहले डी अपॉन डीएक्स निकाला, फिर डीबी अपॉन डीएक्स निकाला, दोनों को वैल्यू रख दी तो हमें क्या मिला फाइनल उतना सेवन लॉग x होल रेस टू पावर x प्लस x रेस टू पावर log x। ओके, लेट y इक्वल टू log x होल रेस टू पावर प्लस x log x। ओके, एंड u इक्वल टू ले लेंगे हम, इनको क्या ले लेंगे log x होल रेज टू पावर x और v को लेंगे x log रेज टू पावर x से ले लेंगे इनको, v को x log रेज टू पावर x लेंगे। अब इससे du अपॉन dx निकलेगा, इससे dv अपॉन dx निकलेगा, दिस y इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस भी होगा, y इक्वल टू क्या होगा u प्लस भी होगा, एंड dy अपॉन dx क्या होगा dy अपॉन dx होगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ओके, नाउ u इक्वल टू log x होल रेज टू पावर x, पहले हम du अपॉन dx को फाइंड आउट करते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर दिस इज log u इक्वल टू x इंटू log x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने पर। ओके, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स जब होगा तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन। ओके, सो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू, ये वन हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स, सो du upon dx equal to, ओके, ये होगा अपना x, u की वैल्यू रख देंगे, ओके, log x होल रेज टू पावर x 1 प्लस log x। ओके, दिस इज du upon dx। अब हम dv upon dx निकालेंगे तो वो इससे निकलेगा, नाउ v equal to x दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा log v इक्वल टू log x इंटू log x होगा। ओके, इधर log लगाया, इधर log लगाया, इधर log लगाएंगे तो ये वाला जो पावर वाला log x है वो सामने आ जाएगा। ओके, सो दिस इज डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वन अपॉन v होगा। ओके, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस इज वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, एक प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं हम इसमें, फर्स्ट फंक्शन को जब कर तो लिखेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस
सेकंड फंक्शन को जमकर तो लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स। ओके सो दिस इज वन अपॉन वी डीवी अपॉन डी एक्स, डबल हो जाएगा ठीक है सेम है। तो दिस इज टू लॉग एक्स अपॉन एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी, टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, बी की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी क्या है अपना जिस पर एक्स लॉग एक्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए है, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए है, तो हम इन दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। ओके रख लेते हैं बेटा यहां पर। ओके दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा डी यू अपॉन डी एक्स लॉग एक्स होल रेज टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स रेज टू डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे हम, एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स इंटू टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ओके ये अपना आंसर हो जाएगा, यहां पर एक बेस एक्स है यहां पर भी बेस एक्स है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लॉग एक्स होल रेज टू पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस वन इंटू टू लॉग एक्स, तो ये भी अपना आंसर हो सकता है। एट साइन एक्स होल रेज टू पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, लेट वाई इक्वल टू इसको वाई सपोज कर लिया, इसको फिर यू लिया, इसको भी लिया, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यू प्लस भी, दिस इज डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। नाउ यू को यू इक्वल टू साइन एक्स होल रेज टू पावर एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो x सामने आएगा तो x इंटू लॉग साइन एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वन अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को जमकर तो लिखा, दिस इज वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन, सो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू रखी गई। ओके नाउ वी साइन इनवर्स रूट एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स वन अपॉन रूट वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स होगा। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखी, ये डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखी, ये रूट एक्स इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।